धनबाद में जेनरिक दवा ज्यादा से ज्यादा गरीब मरीजों को मिले, इसको लेकर जीवन रेखा ट्रस्ट ने धनबाद जिले में 15 जेनरिक दवा स्टोर खोलने जा रही है, जो दवा घर के नाम से जाना जाएगा। आज धनबाद के बरटांग स्थित एक निजी अस्पताल में जीवन रेखा ट्रस्ट के चेयरमैन राजीव शर्मा ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। जेनरिक दवा स्टोर में डॉक्टर भी बैठेंगे, जो मरीजों को 10 रुपए के रजिस्ट्रेशन शुल्क पर इलाज करेंगे। संस्था ने जिले के डॉक्टरों से अपील की है कि दवा क्लिनिक कम से कम एक दिन निशुल्क सेवा दे, ताकि गरीबों का बेहतर इलाज हो सके। बैंक मोड में जो 12 तारीख को शुरू होगी और ठीक एक महीने सवा महीने के अंदर में हम लोग दूसरी दुकान गोविंदपुर में खोलेंगे। वहाँ का फर्नीचर भी बन गया, जो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया जो वो कम्प्लीट होते ही वो दुकान की होती है। तो हम लोग अगले एक महीने में दूसरी दुकान, 1 से 1.5 महीने में दूसरी दुकान खोल देंगे। जहाँ शुरू करने जा रहे हैं वहाँ कुछ डॉक्टर भी बैठेंगे, कौन डॉक्टर बैठेंगे? देखिए अभी करते हैं, फेज बाई फेज शुरू होता है। तो अभी हम लोग पहले मेरे जैसा व्यक्ति जो कि स्ट्रेट का नहीं है, हम लोगों ने इसको बैठा जाने लगे, नहीं तो अभी ये और वो दवाई सारा जेनेरिक दवाई सारी जेनेरिक। और अभी मैं ये कह सकता हूँ 300 प्रकार की करीब करीब उससे ज़्यादा ही दवाइयाँ होंगी। आप समझ सकते हैं कि लोग कहते हैं कि 80% भारत सेवा को बेहतर करें, तो दफुल्ला के बाद की स्थिति में अंतर आया है। और हम लोगों ने दवाई के क्षेत्र में ये जो बड़ा कदम हम लोग उठाने जा रहे हैं, इसका मकसद ये है कि लोगों के पास बहुत सारे हम लोग गरीबों के गरीब व्यक्ति जो आते हैं उस समय कि हम लोग जिससे कि लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिलेंगी, ये हम लोग का प्रयास है। पूरी तरह से कंप्यूटराइज करने का प्लानिंग है, जो हम लोग कर भी रहे हैं। साथ साथ पूरी पहले दिन से इसकी ऑनलाइन जो बिलिंग की सिस्टम होगी, पहले दिन पूरी कंप्यूटराइज बिलिंग होगी और आने वाले समय ऑनलाइन के माध्यम से सारी चीज़ें ऑनलाइन होती चली जाएंगी। आप कहीं से भी अपने मतलब इस जो आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका मकसद ये है कि हम लोग ने कुछ समय पहले कहा था कि हम लोग धनबाद में जेनरिक मेडिसिन शॉप का एक चेन खोलें, तो उसकी शुरुआत हो गई है। आगामी 12 जुलाई को हम लोग इस दवाई घर के नाम से जो दुकान खुलने जा रही है उसका उद्घाटन होने जा रहा है। हम लोग आज की जो मकसद था वो ये था कि हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि धनबाद में पूरे धनबाद जिले में 15 दुकानें खुलेंगे, उसमें पहली दुकान की ओपनिंग 12 जुलाई को होने जा रही है। इसका मकसद है कि ज़रूरतमंदों को सस्ती दर पे दवा उपलब्ध कराना, जिसमें हम लोगों ने देखा कि 85% तक डिस्काउंट हम लोग उपलब्ध कराएंगे इसमें। और ये एक बड़ा सहयोग होगा इस समाज को, जो हम लोग का जीवन रेखा ट्रस्ट का उद्देश्य भी है कि धनबाद में स्वास्थ्य सेवा कैसे अपग्रेड करें। पूर्व में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोगों ने एशियन ग्रुप के साथ टाइप किया था उसमें भी स्वास्थ्य सेवा अपग्रेड हुई है, धनबाद की स्वास्थ्य सेवा में सुधार हुआ, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। तो ये हमारी पहली शॉप है, ये पहली शॉप हम लोग खोलने जा रहे हैं टेक्सटाइल मार्केट में, ग्राउंड फ्लोर पे है, G17 दुकान में ये टेक्सटाइल मार्केट में खोले जा रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग हम लोग की है कि जो हम लोग अभी प्लान वे में ले जा रहे हैं कि हम लोग dawaighar.in के नाम से हम लोगों ने अपनी वेबसाइट भी रजिस्टर कराई है, और जैसे जैसे दुकानें खुलती जाएंगी सारा दुकानों में उपलब्ध दवाइयों का डाटा जो है ऑनलाइन आपको मिलेगा, और लोग ऑनलाइन इसकी बुकिंग भी कर सकेंगे। चूँकि ये जेनरिक मेडिसिन शॉप में भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो बुकिंग भी कर सकेंगे, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकेंगे और वहाँ से कलेक्ट भी कर सकेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया को हम लोग प्रयास कर रहे हैं एक डेवलप करने का, साथ साथ इसके लिए हम लोग ऐप भी डेवलप करेंगे, उस ऐप के माध्यम से भी लोग इससे जुड़ सकेंगे। और ये जो चेन बनेगी ये पूरे ज़िले में लगभग सभी लोगों को, सब क्षेत्रों में बनेगी, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में। हम लोगों ने ये भी प्रयास किया, अभी जैसे दूसरी दुकान हम लोग गोविंदपुर में खोलने जा रहे हैं, साथ ही साथ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जीवन रेखा ट्रस्ट की तरफ से हम लोग गोविंदपुर इसमें सराज में भी खोलने जा रहे हैं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।